कि बाय एंड ऑफ 2018 या 2019 के स्टार्ट होने पे स्टेला लुमेंस का जो प्राइस है वो लगभग $1 तक जा सकता है, मूनशॉट हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं जिया स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में, चैनल जो टोटली डेडिकेटेड है उन क्रिप्टो करेंसी मार्केट न्यूज़ एंड अपडेट्स। यहां पे हम करते हैं कुछ कॉइन्स की प्राइस एनालिसिस, साथ में करते हैं टेक्निकल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा बहुत सीखते भी हैं। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है इसके अंदर स्पेसिफिकली हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ दो कॉइन के बारे में। पहला है XLM स्टेला लुमेंस और उसके बाद है कार्डानो ADA। ये दोनों कॉइन्स की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी फ्रॉम द यूज़र्स कि इसके बारे में कुछ प्राइस एनालिसिस करके बताइए, क्योंकि दोनों कॉइन्स की काफ़ी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है और कितना आने वाले मंथ में इसकी प्राइस जा सकती है, क्या ये पहले वाले ऑल टाइम हाई तक रीच कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, या उससे भी आगे ये जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इन डेप्थ एनालिसिस है ऑन XLM एंड कार्डानो। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं XLM के बारे में। देखिए, XLM के बारे में बात करते हैं, स्टेला लुमेंस के बारे में बात करते हैं, तो बहुत सारी ताज़ा इसके बारे में खबरें हैं, काफ़ी स्ट्रांग न्यूज़ है। तो पिछले न्यूज़ के बारे में हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग सीधा इसके प्राइस एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे। और अगर मैं स्टेला लुमेंस को कॉइन मार्केट कैप के ऊपर देखता हूं तो लगभग 1.4% के आसपास बढ़ चुका है और इसकी जो करंट प्राइस है इन डॉलर वो चल रही है लगभग 26 सेंट के आसपास चल रही है। और अगर हम सतोशी बात करते हैं तो लगभग 3928 सतोशी के आसपास चल रहा है। तो अगर मैं onchainfx.com के ऊपर स्टेला लुमेंस का रिकॉर्ड देखता हूं पुराना, तो इसने ऑल टाइम हाई जो रिकॉर्ड बनाया था वो लगभग 93 सेंट के आसपास बनाया था और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 72% नीचे की तरफ चल रहा है। और इसको अगर अपना ऑल टाइम हाई रीच करना है तो लगभग इसको 3.5 गुना ज़्यादा इसको बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, इतना गुना बढ़ने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। स्टेला लुमेंस के ऊपर भी हम और बात करेंगे, लेकिन मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि आने वाले समय में यानी कि बाय एंड ऑफ 2018 या 2019 के स्टार्ट होने पे यानी कि जैन 2019 तक स्टेला लुमेंस का जो प्राइस है वो लगभग $1 तक जा सकता है, मूनशॉट हो सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके मूनशॉट होने के $1 पे। देखिए, सबसे पहले कॉइन वगैरह बहुत अच्छा है, इसकी न्यूज़ वगैरह सब कुछ सारी चीज़ें अच्छी हैं। ठीक है, अब जिस कॉइन की सारी चीज़ें अच्छी होती हैं तो उसका ये माना जाता है कि जो अपने ऑल टाइम हाई से जितना रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ आया है तो जब रैली आती है तो वो उतना रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ भी पुल बैक करता है। तो उतना ही अगर ऊपर की तरफ पुल बैक करता है तो अभी के रेट से अगर हम चेक करेंगे तो लगभग आप वापस से $1 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई एक पॉजिटिव चीज़ स्टेलर के बारे में। अब जो दूसरा इसका जो मास्टर स्ट्रोक है, ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बताया था XRP के मास्टर स्ट्रोक्स बताए थे, अभी जो स्टेलर का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है वो है स्टेलर एक्स। कल के दिन यानी कि 29 सितंबर को स्टेलर एक्स का एक ट्वीट आया था जहां पे उन्होंने ये लिखा था कि स्टेलर एक्स इज़ लॉन्च्ड, जहां पे फ्री ट्रेड्स होंगे और फिएट करेंसी को यूज़ किया जा सकता है, बहुत सारे टोकन्स भी उस प्लेटफॉर्म पे होंगे और बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। स्टेला लुमेंस का रेट को किस तरह से ऊपर लेके जाएगा वो मैं सारी चीज़ें आप लोग को बता देता हूँ। देखिए, जिस तरह से बाइनेंस एक्सचेंज है उसका BNB कॉइन है, उसी तरह से स्टेलर एक्स एक्सचेंज जो है उसका XLM जो है वो टोकन है और ये एक बहुत अहम रोल प्ले करेगा जो एक्सचेंज पर हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम करने के लिए, और इसी वजह से XLM का जो रेट है $1 तक जा सकता है। इसके साथ और भी खबर आ रही है कि जिस तरह से बैंक XRP के अंदर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं उसी तरह बैंक जो है XLM के अंदर भी इंटरेस्ट दिखाएंगे, क्योंकि इस एक्सचेंज के ऊपर फिएट करेंसी भी इन्वॉल्व रहेंगी। इस एक्सचेंज की कुछ खासियतें हैं वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहला कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हैव मोर यूजर्स। देखिए, अभी हम कंपेयर करते हैं तो जितने भी क्रिप्टो करेंसी के डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं वो हर तरीके से सेंट्रलाइज्ड काउंटर पार्ट से बहुत ऊपर की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट स्टेलर एक्स की तरफ से कहा गया कि यहाँ पे कोई KYC वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है फिएट सर्विसेज। देखिए, बहुत सारी जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस अभी आ रही हैं सब ये सर्विस को लेकर आ रही हैं, फिएट सर्विस को लेकर आ रही हैं, ताकि क्रिप्टो करेंसी को बाय सेल अच्छे से किया जा सके। और बात करते हैं अगर स्टेलर एक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जितने भी US के कस्टमर्स होंगे उसके साथ और भी जो कंट्रीज हैं उसमें इंक्लूड किया जाएगा, जैसे कि नाइजीरिया है, यूरोप है, UK है, कनाडा है, जहाँ पे आप अपने बैंक अकाउंट से फंड सीधा उसके अंदर जमा कर सकते हैं एक्सचेंज के अंदर और आप ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं, जैसे कि हम इंडिया में करते थे कि ZPay पे INR वगैरह सब डिपॉजिट वगैरह करते थे और फिर उससे ट्रेडिंग वगैरह करते थे। ठीक है, तो ये सारी सर्विसेज चालू हो रही है वो भी एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के ऊपर। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है स्टेलर एक्स का कि अभी जितने भी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है सब जगह आप लोगों को कुछ ना कुछ फीस देनी पड़ती है, ट्रांजेक्शन फीस होती हैं, ट्रांसफर फीस होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन स्टेलर एक्स के ऊपर डेट विल बी ए 0 fee डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आपको कोई फीस वगैरह नहीं लगेगी और ये जितनी भी फीस है वो स्टेलर एक्स नेटवर्क के थ्रू पे की जाएगी। तो आप ये सोचेंगे ये एग्जैक्टली फ्री कैसे है। देखिए, फ्री तो है, इनफैक्ट यहाँ पे आपको कुछ
रिफंड भी मिलता है एज नेटवर्क कॉस्ट, क्योंकि स्टेलर एक्स जो है वो क्या कर रहा है कि अगर यहाँ पे आप जितने भी कॉइन्स भी रखते हैं तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे बैंक में हम पैसा वगैरह रखते हैं तो उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो ये पहला एक ऐसा एक्सचेंज होगा जहाँ पे आपके एसेट से आपके कॉइन्स के ऊपर भी आपको इंटरेस्ट वगैरह मिलता है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि इट सपोर्ट्स अदर टोकन्स। अब यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होगा कि जिस तरह से हमने इथेरियम का प्लेटफॉर्म देखा था कि जहाँ पे आप खुद का एक और टोकन्स वगैरह जनरेट कर सकते हैं या लिस्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इथेरियम ब्लॉकचेन है और नियो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उसी फंडामेंटल को ये भी यूज़ करेंगे और इस वजह से इनके जो एक्सचेंज उस पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगी एंड दैट इन टर्न विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ स्टेलर। और यही सब सिनेरियोस को साइड में रखे जब इसके ऊपर ओवरऑल कैलकुलेट किया जाता है, साथ में फंडामेंटल एस्पेक्ट्स को भी रखा जाता है, सेंटिमेंट को भी रखा जाता है, तो एक रफ फिगर निकाला जाता है और वो फिगर लगभग $1 के आसपास तक ये हिट कर सकता है XLM। और इसके जो मेजर सपोर्ट लेवल्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो 23.4 सेंट है, उसके बाद 22.89 सेंट्स है, उसके बाद 21.42 सेंट्स है। ये इसके तीन बहुत बड़े नीचे के सपोर्ट लेवल्स है। अगर एक सपोर्ट लेवल अगर तोड़ता है तो आप सोच लेना कि शायद उसके नीचे वाले सपोर्ट लेवल तक आएगा। और फाइनल जो कॉन्क्लूजन इसके ऊपर निकलता है वो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है आप XLM का जो रेट है थोड़ा नीचे देखें या हो सकता है आप XLM को थोड़ा सा बेरिश मोड में देखेंगे, ठीक है। लेकिन फॉर द लॉन्ग टर्म, यानी कि अगर आप पकड़ते हैं 3 महीने 4 महीने पकड़ते हैं, अगर होल्ड करते हैं XLM को, तो ये काफ़ी बुलिश है, बहुत ऊपर जा सकता है, लगभग $1 तक ये टच करेगा। तो फाइनली आप मेरे से पूछेंगे क्या अभी XLM के अंदर एंट्री लेना है, तो अगर मैं अभी चार्ट देख रहा हूँ, वन डे का भी चार्ट देख रहा हूँ, तो मूवमेंट्स काफ़ी ऊपर की तरफ है, यानी कि हायर लो बना है और उसके साथ हायर हाई बना है। और एज़ पर द इंडिकेटर, जो मेरा राइजर जो इंडिकेटर है वो यहाँ पे बता रहा है कि अभी रेट थोड़ा ऊपर जाने वाला है, शायद 1 या 2 दिन ऊपर तक जाएगा। और अगर RSI हम देखते हैं तो जो RSI है वो अभी 59-60 के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ से एक रिवर्स आने वाला है, करेक्शन आएगा। तो जैसे ही अगर ये 70 पे टच करता है आप नज़र रखना, उसके बाद से एक नीचे की तरफ आएगा और 30-40 के अगर बीच में भी आता है ये, ठीक है, तो वहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। यानी कि जो लेवल है बाय करने का वो मेरे ख्याल से 21-20 या 22 सेंट के आसपास आप इसको बाय कर सकते हैं। तो एग्जिट के लिए मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि मेरा सिंपल वाला पुराना वीडियो देख लीजिए जहाँ पे मैंने बताया सिंपल स्ट्रैटेजी मोस्ट पावरफुल स्ट्रैटेजी टू एंटर एंड एग्जिट इन ए डे मार्केट और ए स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है, उसी को यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ ज़्यादा एडवांस नहीं बताने जाऊँगा ताकि और ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, उस चीज़ को पकड़ के चलेंगे तो काफ़ी अच्छा आप इसमें प्रॉफिट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं कार्डोनो की, बात करते हैं, ठीक है। कार्डोनो के बारे में बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं कि इसकी प्राइस एनालिसिस बताइए कि इसका अभी क्या स्टेटस है, इसके मूवमेंट्स काफ़ी स्लो हैं, ये कब ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, या बहुत टाइम लगेगा उसको ऊपर जाने में, ठीक है, इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है, तो यहाँ पर वो सारी बातें हम क्लियर करते हैं। अगर कार्डोनो का अभी जो मैं रेट देख रहा हूँ डॉलर में वो लगभग 8 सेंट के आसपास चल रहा है, ठीक है, पिछले 24 आवर्स में लगभग 1% की बढ़ोतरी है इसके अंदर। इसका ऑल टाइम हाई जो गया था वो लगभग $1.33 के आसपास गया था और अभी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 93% नीचे चल रहा है, ठीक है, यानी बहुत बहुत नीचे चल रहा है। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि आप अंडर 20 ऑल्ट कॉइंस हैं जो 90+ लो चल रहे अपने ऑल टाइम हाई से, उसके अंदर आँख बंद करके आप एंटर लेना, और ये लगभग 93% नीचे की तरफ चल रहा है अपने ऑल टाइम हाई से, तो इसको आँख बंद करके आप ले सकते हैं, बहुत बढ़िया रेट में मिल रहा है आपको और इसका रेट आगे बहुत ऊपर जाने वाला है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे क्या ये $1 तक जा सकता है, तो देखिए अगर इसको अपना ऑल टाइम हाई रीच करना है तो एज़ पर onchainfx.com अगर मैं देख रहा हूँ तो लगभग 15.5 गुना इसको ज़्यादा बढ़ना पड़ेगा। तो अभी इस मार्केट के अंदर अगर रैली अच्छी खासी आ भी जाती है इंस्टेंटली 15 गुना बढ़ना ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं लगती है, बढ़ेगा लेकिन थोड़ा रुक रुक के बढ़ेगा। और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, जब भी हम बात करते हैं बुलिश रैली की बात करते हैं या बुलिश सेंटीमेंट की बात करते हैं तो कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि ये कहते हैं कि अरे फरवरी से बुलिश सुन रहे हैं लेकिन हमें अभी तक बुलिश आया नहीं या बुलिश ट्रेंड आया नहीं, बुल मार्केट नहीं आया। तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि इस मार्केट में बुलिश रैली का मतलब होता है एक बुलिश अपॉर्चुनिटी, ठीक है। आपने देखा होगा कि अभी जो 8-9 महीने गए हैं उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी, 5,000, 10,000, 8,000, फिर 10,000, 6,000, 8,000 इस तरह की रैलीज़ मिली हैं। अगर आप इस रैली का भी फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं तो फिर क्रिप्टो करेंसी मार्केट आपके लिए नहीं है, ओके। आप अगर इंतज़ार करते हैं कि वन शॉट में सीधा 20,000 जाएगा तो भूल जाइए, 20,000 तक जाएगा लेकिन ऊपर जाएगा करेक्शन आएगा, ऊपर जाएगा करेक्शन आएगा। तो आप अगर इस इम्पल्सिव वेव और करेक्टिव वेव का फ़ायदा अगर नहीं उठा पाते हैं तो आप 20,000 तक भी अगर मार्केट पहुंच जाएगा तब भी आप पूछेंगे कि बुल मार्केट कब आएगा।
तो इसलिए मैं कहता हूँ मार्केट का जो ट्रेंड है उस हिसाब से उसमें ट्रेडिंग कीजिए, आपको हमेशा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और मेरे हिसाब से ये जो मार्केट चल रहा है वो काफ़ी प्रॉफिटेबल मार्केट चल रहा है। अगर आप सिंपल चीज़ों को भी इंप्लीमेंट करते हैं चार्ट के अंदर, आँख बंद करके भी ट्रेड करते हैं, तो ईजिली आपको उसमें प्रॉफिट होगा। तो बात करते हैं कार्डानो की, $1 तक जाएगा कि नहीं जाएगा, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे। तो देखिए मैं यहाँ पे जो अपना जजमेंट लगा रहा हूँ कि हम जो इसका रेट देख सकते हैं कार्डानो का भी आगे, पहला पड़ाव जो आएगा अगर कार्डानो का ऊपर की तरफ रैली जो चल रही है वो आएगा 11 सेंट का आएगा, आप नोट कर लेना। उसके बाद से अगर ये ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट पड़ाव रहेगा वो लगभग 18 सेंट्स का रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो रैली आती है वो आएगी आपको लगभग 23 सेंट की आएगी। अब मैं ये आपको लेवल्स के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है, कि आप दिमाग में ये बिठा लेना अगर 11 सेंट का मार्क तोड़ के सपोज़ कीजिए 14 सेंट तक आ जाता है तो 14 सेंट पे आपको निकलना नहीं है, फिर आप ये दिमाग में बिठा लेना कि वो आराम से इजीली लगभग 18 सेंट तक जा सकता है। अगर 18 सेंट के बाद सीधा 20 सेंट पहुंच गया तो इजीली समझ जाना कि 23 से 24 सेंट के आसपास जा सकता है, ठीक है। और मई मंथ में ये जो गया था लगभग 42 सेंट के आसपास तक गया था, ठीक है। तो रैली अगर काफ़ी अच्छी आती है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 30 से 40 सेंट के बीच में ये रह सकता है, ओके। और मेरे हिसाब से बाय एंड ऑफ 2018, जैसे कि मैं हमेशा हर चीज़ को कम में लेके चलता हूँ, तो कम से कम में भी अगर हम इसको आंकते हैं तो कार्डानो जो है बाय एंड ऑफ 2018 अगर सब कुछ पॉजिटिव न्यूज़ के हिसाब से चलता रहा और कुछ अच्छी खासी न्यूज़ इसके साथ आ गई तो आप एटलीस्ट 50 सेंट के आसपास इसे ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि मई मंथ के अंदर ही इसने 42 सेंट तक टच किया था, ठीक है। और मार्केट जब नीचे मूवमेंट आई थी उसमें भी इसने काफ़ी अच्छा बीच में बुलिश मूवमेंट्स दिखाए थे। और अभी हम देख सकते हैं बात करते करते 1% से लगभग 2% कार्डानो बढ़ चुका है। और उसके साथ ही अगर मैं यहाँ पे 6 आवर का चार्ट भी देखता हूँ, कार्डानो और BTC का भी देखता हूँ, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। तो ट्रायंगल ब्रेकआउट देखो हमें वन डे के चार्ट में भी देखना चाहिए, वीकली चार्ट में भी देखना चाहिए, 12 आवर्स में भी देखना चाहिए, 4 आवर्स 6 आवर्स में भी देखना चाहिए, कहीं ना कहीं आपको ट्रायंगल ब्रेकआउट मिल जाता है तो आने वाले 5-6 घंटे का आपको थोड़ा आइडिया मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल ब्रेकआउट हुआ है कार्डानो का, तो आने वाले कुछ समय में यानी कि आने वाले कुछ दिन तक थोड़ी इसकी मूवमेंट बुलिश रहेगी। अब हम कार्डानो की अगर कुछ न्यूज़ के ऊपर नज़र डालते हैं तो जैसे कि पहले कहा था कि क्रैकन के ऊपर कार्डानो वगैरह लिस्ट हो गए हैं तो उसकी वजह से भी आप इसमें रेट में थोड़ा पंप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, ज़्यादा ट्रेडिंग होगी और इसके साथ और भी अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है या कुछ और एक्सचेंज के ऊपर भी ये लिस्ट हो जाता है तो वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा कार्डानो के लिए। तो दोस्तों फाइनली अगर हम XLM और कार्डानो की बात करते हैं तो दोनों कॉइन्स काफ़ी स्ट्रांग है और अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो मुझे XLM ऐसा लग रहा है कि वो कार्डानो से पहले काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है, क्योंकि स्टेलर एक्स उसका स्टार्ट होने वाला है। और कार्डानो की अगर बात करते हैं तो 2018 के एंड तक लगभग 50 सेंट तक वो जा सकता है क्योंकि उसकी भी काफ़ी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है और हो सकता है कि आने वाले 2-3 महीने के अंदर कुछ और अंदर की खबरें निकल के हैं कार्डानो को लेके, ठीक है। तो दोनों कॉइन काफ़ी पॉजिटिव है और जिन लोगों ने दोनों कॉइन्स को होल्ड करके रखा है वो होल्ड करके रखिए, आगे आप लोगों को काफ़ी अच्छा इसके अंदर मुनाफा मिलेगा, ओके। तो निश्चिंत रहिए और जिन लोगों ने अगर ये कॉइन्स हाई रेट पे लेके भी रखें उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि लो रेट पे लॉस के अंदर मत बेचो, बस 2-3 महीने और वेट कर लीजिए, काफ़ी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली है सारी जगह से, मार्केट में जो सेंटिमेंट है काफ़ी बुलिश है, ठीक है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉइन्स है, अंडर 10 वाले कॉइन्स हैं, तो बहुत अच्छा आप लोगों को इसमें प्रॉफिट मिलेगा। तो दोस्तों इस सेशन को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ और इस वीडियो से रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा आप चाहते हैं कि मैं कोई और कॉइन को यहाँ पर कवर अप करूँ जो मेजोरिटी ऑफ हमारे सब्सक्राइबर्स या यूज़र जिसको होल्ड करके रखें तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, फिर उसमें से सिलेक्ट करके कुछ कॉइन्स के ऊपर हम प्राइस एनालिसिस वगैरह करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ट्विटर पे और फेसबुक पे, और आप में से जो लोग नए हैं या जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर करिए क्लिक ताकि सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँच जाए। तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही, जल्द मिलेंगे नए वीडियोज़ और न्यू अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।